दया जी सर, ये मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आपको बहुत सी बातें समझ में नहीं आती है सर। अभिजीत सॉरी सर, सॉरी सॉरी। तो मैं ये कह रहा था दया जी सर, कि हमारे पास केस आने इतने कम क्यों हो गए? यूट्यूबर देश के यूट्यूबर, यूट्यूबर सही कहा अभिजीत ने, यूट्यूबर। क्या 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 यूट्यूबर? बात तो सुन लो सर। हाँ सर, पूरी बात तो सुन लो आप, बीच बीच में ही। मैं यूं बोल रहा हूँ सर कि इस देश के यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर ने हमारा इतना मजाक बनाया सर, इतना मजाक बनाया है। अभी तक कोई चैनल नहीं बचा कॉमेडी का जिसमें सीआईडी के ऊपर कॉमेडी वीडियो नहीं डाली हो इन लोगों ने। सत्य वचन, हर तीसरे दिन एक यूट्यूब चैनल पे सीआईडी के ऊपर रोस्ट या कॉमेडी वीडियो आती है। कैसे रहेगी हमारी इज्जत ऐसे? हमको मजाक समझ रखा है सर इन्होंने, मजाक। वाह, वही जिसे पीटे चार पांच एपिसोड, समुद्र के पास से मिली लाश। यही कारण है सर, यही कारण है दया। इसी कारण से डूब गई है हमारी लुटिया, पब्लिक के सामने बन गए हम। अभिजीत आराम से कंट्रोल रखो। इस हिसाब से तो हमें बहुत जल्द वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी दया, वरना हमारा नामो निशान मिट जाएगा। अभिजीत ताली नहीं बजा रहा हूँ मैं तो। अच्छा हाँ सर, लोगों के घर के तालों की चाबियां गुम हो जाती है तो मुझे लोग दरवाजा तोड़ने के लिए बुला रहे हैं आपको। कोई बात नहीं दया, हम दोनों किसी काम के तो हैं कम से कम। हाँ मतलब सर, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। क्या? गांव में अभी लहसुन छुपाई का काम चल रहा है, लहसुन बोने का काम चल रहा है। अभी हम कम से कम 250 से 300 रुपए दिन के बना सकते हैं लहसुन चोप। दया तुम जीड़े देना, मैं लहसुन की तगारी उपड़ के लाके सर को दूंगा और सर आप लहसुन चोपना। ऐसे करके कम से कम 1000 रुपए तीनों के मिला के हो जाएंगे, बीड़ी सिगरेट के पैसे निकल जाएंगे। ठीक है सर, चलो रोजगार ढूंढते। चलो कम से कम कर्जा तो उतर ही जाएगा सर। दया जी सर, हमारी गरीबी को देखते हुए मुझे एक शेर याद आ रहा है। कह दीजिए सर। अर्ज किया है पैसा है, पैसा है सर, पैसा कहाँ पे सर, पैसा नहीं है मेरे पास। अर्ज किया है, शेर बोल रहा हूँ, अर्ज किया है। वाह, अर्ज किया है पैसा है तो सब पूछते हैं तू कैसा है, अगर नहीं है, नहीं है तो तू जैसा है वैसा है। आ वाह क्या बात है सर। अभिजीत पैसे नहीं है अभी मेरे पास। अभिजीत सर, लाश। ओह माय गॉड सर, सीडी वाला। ओह माय गॉड सर, केस पैसा। ये तो टिकटॉक बन गया था यार। हाँ सर, हाँ सर। किसी ने वीडियो बनाया कि नहीं बनाया? नहीं सर, वीडियो तो नहीं बना पाए। ओह माय गॉड सॉरी सर, यही तो हम नहीं कर पा रहे हैं, सही टाइम पे सही चीज नहीं दे पा रहे हैं। वही तो सर, इससे भी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती। और तो और, अगर ये रील बना के इंस्टाग्राम पे डालते तो बोनस का ऑप्शन आ जाता सर, बोनस का ऑप्शन। सही बात है। ओह माय गॉड अभिजीत, ये तो तुम हो सर। क्रिएटिविटी को समझो, कैमरे में ये बात बोलने की नहीं होती है, क्रिएटिविटी को समझो। वो मैं नहीं हूँ, वो नहीं है, वो मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं तो, ये तुम नहीं हो अभिजीत। मैं नहीं हूँ वो। खैर सर, अब आपके तजुर्बे और एक्सपीरियंस से बताओ, इस लाश का क्या करना है? इस लाश का वही करना है जो हमारे रीति रिवाजों में होता आ रहा है। इसके घर वालों को फोन लगाओ और सूचना दो कि अंतिम संस्कार की तैयारी करें। लेकिन सर, इससे तो लाश जल जाएगी और एविडेंस सारे मिट जाएंगे। ओ माय गॉड, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस सर, एविडेंस। और सर, अगर ये लाश जल गई तो फिर आप मुजरिम को फांसी कैसे दिलवाओगे? यू आर राइट अभिजीत, राइट। इसी वजह से तो मुजरिम को फांसी होगी, फांसी। फिलहाल मुझे हो रही है खांसी। जाओ पता करो इसके पास जाके,
कोई एविडेंस मिलता है क्या? हाँ सर मैं जाता हूँ। अभिजीत तुम मत जाओ। क्यों सर? डबल रोल है। दया। जी सर। जाओ दया जाओ। यस सर। गो गो। यू कैन गो नाउ टू द हेडमास्टर अपर प्राइमरी स्कूल कुलथाना। यू कैन गो नाउ। यस सर। यस सर। यस। यहां से बहुत जोर से पेशाब की बदबू आ रही है। ओ गॉड। मतलब मर्डर पेशाब की वजह से हुआ है। कैसे सर? आदमी पेशाब करते करते मर गया। सीरियस मामला है दया। सीरियस। मच्छर था सर। सर यहां से एक शराब की बोतल मिली है। ओह माय गॉड। ये केस तो और भी सीरियस हो गया। शराब की बोतल सर मैं लेता हूँ। लाओ दया दे दो। हाथ कैमरे में आ जाएगा। हाथ आगे मत ले जाओ। तुम भी इधर आ जाओ दया। दो एंगल नहीं लेने पड़ेंगे, हमारे पास कैमरा एक ही है। इधर आ जाओ, तुम्हारे लिए अभिजीत तुम्हारे उधर जगह है। जगह दो दया को। लाओ दया लाओ। अभिजीत ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों सर? ऑफिसर हो तुम, ग्लव्स कहाँ है तुम्हारे? ग्लव्स नहीं है सर। इस पर खूनी के फिंगरप्रिंट हो सकते हैं। बहुत बड़ा सबूत है ये, सावधानी बरतनी पड़ेगी इसमें। जल्द ही केस सॉल्व कर। जल्दी। बहुत जल्द केस सॉल्व होगा ये। अब साफ साफ उंगलियों के निशान नजर आएंगे। बात तो सही है। सर ये क्या कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ इसके अंदर और शराब बाकी तो नहीं है। इससे ये पता लग सकता है अपने को कि ये पक्का शराबी है। एक बूंद तक नहीं छोड़ा इसके अंदर। वैसे सर। हाँ अभिजीत। तुम सर हो दया? सॉरी सर। हाँ बोलो अभी। सर अब आप अपने तजुर्बे से बताओ कि ये नेचुरल मौत है या मर्डर? अभिजीत ये मर्डर ही है, और नहीं भी है तो इसे बनाओ। मर्डर ही होना चाहिए सर, वरना अपनी रोजी रोटी पे लात पड़ जाएगी। मर्डर होना चाहिए। दया तुम इसे चेक करो, ये सही से मरा है या नहीं। कला घोट के मारो, अगर नहीं मरा तो अभी मार लेते हैं। देखो मैं ध्यान रखता हूँ। तुम क्यों कर रहे हो? मर गया लगता है। बूढ़े सर ये तो जिंदा है। क्या बात कर रहे हो दया? ये तो जिंदा है सर। मारो उसे, उसी वक्त मार दो। उसे भनक मत पड़ने दो, गला घोटो उसका। सर ये तो बहुत खूंखार है। सर अपना दया तो मार खा रहा है। बिल्कुल मुझे भी दिख रहा है। सर बताइए सर। सर मुझे खतरे का आभास हो रहा है सर। बिल्कुल संगीन मामला है अभिजीत। अभिजीत ठीक है सर मैं चलता हूँ, आप निपटो। तुम कहाँ जा रहे हो अभिजीत? सर बड़े सयाने कह के गए हैं सर कि जो बड़े लोग होते हैं वही लड़ते हैं बड़ों से। दया उसकी मार सहन नहीं कर पा रहा है। अभिजीत तुम जाओ। हाँ मैं जा रहा हूँ सर। तुम उधर जाओ ना, वहाँ कहाँ जा रहे हो? सर मैं नहीं लड़ सकता किसी से, मेरी मार नहीं खा सकता। दिस इज माय ऑर्डर। दया अभिजीत। अभिजीत तुम एक बहादुर ऑफिसर हो, बचाइए, ये बहुत खुकार है। इसे मेरी तरफ मत बढ़ने देना दया। दया भागो सर भागो। इधर इधर इधर